हेलो दोस्तों, रफ जॉइंट की दूसरे एपिसोड में आपको स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में दो समान मोटाई की रस्सी को एक साथ जोड़ना और दो अलग मोटाई की रस्सी को एक साथ सही तरीके से कैसे जोड़ना चाहिए इस वीडियो में देखेंगे। दो समान मोटाई की रस्सी से फिशरमैन नॉट, डबल फिशरमैन नॉट, असलेवन ब्लू नॉट और दो अलग मोटाई की रस्सी से अल्ब्राइट नॉट, हैविंग लाइन बैंड और सिंपल सीमन अंडर नॉट। सीमन अंडर नॉट को कैसे और सिंपल तरीके से गठन लगाना है इस वीडियो के माध्यम से आप देख पाएंगे। वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त गविन। मजा आ जाएगा, चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले वीडियो में मैंने आपको बता चुका हूँ कि कैसे एक सिंपल थाउनर से रस्सी को जॉइंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर उन वीडियो का लिंक मैंने दे रखा है, चाहे तो लिंक को क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। अब जानते हैं पहले नोट के बारे में। ये नोट क्लिफर्ड वारेन असले के खुद के नाम पर ओरिजिनेट किए हुए दो नोट से ये एक हैं। ये नोट को जॉइंट करने के लिए यूज किया जाता है। पहले रस्सी के रनिंग पार्ट से एक बाइट करें, दूसरे रस्सी के रनिंग पार्ट को बाइट के अंदर हो करके फिर से एक बाइट करें। अब दो रनिंग पार्ट को लूप के अंदर से ही इसे निकाल दें। जैसे आप देख पा रहे हैं, इस हिसाब से दो रनिंग पार्ट को लूप के अंदर से ही निकाल दें बाहर की तरफ और कस के इसे टाइट कर लें। ये बन के तैयार हो गया असली बैंड। इस नोट को हम इसलिए जॉइंट कर सकते हैं क्योंकि ये सिंपल और काफ़ी सख्त हैं। अब देखते हैं फिशरमैन नोट के बारे में। इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि ये एक मछुआरा गठन है। इसे हम दो सिंपल थाउनट से ही गठन लगा सकते हैं। इसकी पहचान ही थाउनट है, जैसे इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं। इस नोट को सिंपल सा ही दो रनिंग पार्ट से एक साथ जोड़ देना और एक रनिंग पार्ट को थाउनट और दूसरे रनिंग पार्ट को और एक थाउनट। उसके बाद दोनों रस्सी को कस लें और धीरे से ऐसे ही टाइट कर लें। यह बन के तैयार हो गया हमारा फिशरमैन नॉट। फिशरमैन नॉट को और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा सख्त बनाने के लिए डबल फिशरमैन नॉट गठन को आसमा सकते हैं। ये गठन बनाने के लिए एक साथ दोनों रनिंग पार्ट को आपस में ऐसे ही रखें और एक रनिंग पार्ट से दो बाइट करके थंब नॉट करें। उसी हिसाब से दूसरे साइड में ऐसे ही दो बाइट करके थाउनट बनाकर कस लें। इस गठन को हम सभी जॉइंट क्षेत्र में यूज कर सकते हैं। कभी कभी ये स्लिप हो जाने के चांसेस रहता है, इसलिए फिसलन की जगह से दूर बचा करके ये यूज कर सकते हैं। चलो देखते हैं दूसरे नोट के बारे में, जिसका नाम है ब्लू नोट। इस नोट को बनाने के लिए दोनों रनिंग पार्ट को फिशरमैन नोट की तरह आपस में ऐसे ही जोड़ के रखें और एक रनिंग पार्ट को 4 से 6 बार दाहिने साइड रस्सी के ऊपर लपेट दें। उनके बाद वीडियो के जैसे दिखाते हैं उस हिसाब से रनिंग पार्ट को नीचे से ऊपर की तरफ लाएं और दूसरे साइड में रनिंग पार्ट को उस हिसाब से लपेटने के बाद वही रनिंग पार्ट को ऊपर से नीचे की तरफ लूप के अंदर से ही खींचें और कस लें, जिसे इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं। ये बन के तैयार हो गया हमारा ब्लू नॉट। ये नॉट रिप नॉट और फिशरमैन नॉट की तरह काफ़ी सख्त, काफ़ी मजबूत होने के कारण ये भी बेस्ट नॉट गिने जाते हैं। सीडबैंड, दो अलग मोटाई की रस्सी को जॉइंट करने के लिए इस नॉट का यूज करना चाहिए। सीडबैंड को गठन लगाना आसान है। मोटे वाले रस्सी को एक बाइट करें और पतले रस्सी को रनिंग पार्ट के लूप के अंदर से ऊपर की तरफ लाकर ऐसे करें। फिर से वही रनिंग पार्ट को उंगली और रस्सी के बीचों बीच होकर के कस लें। ये बनके तैयार हो गया सीडबैंड। अब देखते हैं डबल सीडबैंड के बारे में। डबल सीडबैंड, ये सिंगल सीडबैंड से काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं। इस नोट को पूरी डिटेल्स में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ टच करके नोट के ट्यूटोरियल वीडियो देख सकते हैं।
सिंपल सिमोन अनर बैंड। सिंथेटिक रफ या स्लिप होने के चांसेस रहने वाले सभी रफ में ये गठन लगा सकते हैं। इसे गठन लगाना आसान है, इसका गठन की स्ट्रक्चर सीडबैंड की जैसी है, बस इसे रनिंग पार्ट को उंगली के बदले वही लूप के अंदर डालें और खींच के टाइट करें। ये बन के तरह हो गया हमारा सिंपल सिमोन अंडर बैंड। दो अलग मोटाई रस्सी को जॉइंट करने के लिए सबसे ज़्यादा सिक्योर नोट अल्ट्राइट स्पेशल नोट को माना जाता है। इसे गठन लगाना आसान है, इसके लिए सिंपल सा एक बाइट करें, दूसरी ओर रनिंग पार्ट को बाइट के अंदर से ऊपर की तरफ लाकर आपके मर्जी से जितना हो सके उतना ही लपेटें, और इसे लपेटने के बाद फिर से वही रनिंग पार्ट को बाइट के अंदर से डाल के टाइट करें। आपको कौन सा रफ जॉइंट सबसे ज़्यादा सिक्योर लगा कमेंट करके जरूर बताना। चलो देखते हैं दूसरी नोट के बारे में, हैवी लाइन बैंड। दो डिफरेंस मोटाई की रस्सी को जोड़ने के लिए मोटे रस्सी के साथ चाहे जितने पतली रस्सी क्यों ना हो, इस गठन के जरिए सिक्योर बना सकते हैं। इसे गठन लगाने के लिए दोनों रस्सियों को बाइट करें, मोटी रस्सी के बाइट के अंदर पतले रस्सी के बाइट को रखकर पतले रनिंग पार्ट को वीडियो के जैसे नीचे बनी हुई लूप के अंदर से गुजरें। उसके बाद ऊपर की ओर बनाई हुई लूप में डालें और टाइट करें। इस नोट को और ज़्यादा सख्त और ज़्यादा सिक्योर बनाने के लिए मोटे रस्सी के रनिंग पार्ट में दो हाफ इंच बना सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा सा ही इतना सा भी जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस टाइप की वीडियो आपको यूट्यूब पर रेयर देखने को मिलेगा। दोस्तों, मिलते हैं नए एक फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद।